बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर से है, जहां शहीद पथ सर्विस लेन निकट फिटनेस ग्राउंड हर मिलाप टावर का एक हिस्सा भरभरा कर हुआ धराशायी। लगभग 3000 स्क्वायर फीट में मानक के विपरीत खड़ी कर दी गई थी 3 मंजिला इमारत। जी हां, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। अभी तक 1 दर्जन से अधिक लोगों को पहुंचाया गया हॉस्पिटल। मौके पर जिलाधिकारी सूर्य प्रकाश गंगवार, लखनऊ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अमित वर्मा सहित डीपी पूर्वी सुशांत सिंह, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, एसीपी कृष्णानगर विनय कुमार द्विवेदी, एसीपी कैंट अभय प्रताप मल, एसडीएम सरोजनी नगर सचिन वर्मा मौजूद रहे। अभी तक हादसे में 5 लोगों की मौत की सूचना, बाकी एनडीआरएफ एवं फायर ब्रिगेड उसकी टीम द्वारा मलबा हटाए जाने का काम किया जा रहा है। मलबा में 2 दर्जन से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई यूनिटें बचाव कार्य में जुटी, वहीं एनडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर युद्ध स्तर पर बचाव कार्य में जुटी। बिल्डिंग ओनर जसमीत सिंह सानी, बिल्डिंग नंबर C54, एक और बॉडी निकाली गई। अभी तक 4 शव निकाले गए हैं। अभी तक 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु की सूचना है और बाकी लोग जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार बचाव कार्य कर रही है और सभी जो इसमें दबे हो सकते हैं उन संभावनाओं के आधार पर वो देख रहे हैं कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों के जो क्लू हैं उनके मुताबिक एक और व्यक्ति के दबे होने की संभावना है। अभी रेस्क्यू टीम उन्हीं पर काम कर रही है। थैंक यू।